वहां से यहाँ पर लाएगा। अब कपड़े खोलना है सबसे पहले, तो कपड़े खोलने में अक्सर ये होता है कि मैयत जो है अकड़ जाती है, हाथ पैर एकदम बिल्कुल टाइट हो जाते हैं, कुर्ता आसान से नहीं खुलता। तो वैसी सूरत में ज्यादातर जोर देने की जरूरत नहीं है, बल्कि कपड़े को काट दें। कपड़ा काटने का तरीका यह है कि किसी भी जानब से यहाँ से आस्तीन से पूरा मुकम्मल गले तक कट कर दीजिएगा, फिर ये आस्तीन गले से आस्तीन पूरा मुकम्मल गले तक इधर से कट कर दीजिएगा। अब ये बटन का वाला कुर्ता है तो आसान से खुल तो जाएगा ये, लेकिन ऐसा वाला कुर्ता है तो इसको काटना पड़ेगा। तो इसके दरमियान में से इसको पूरा मुकम्मल गले तक काट दीजिए। ये कुर्ता जो है दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, उधर का उधर हो जाएगा, इधर का इधर हो जाएगा, ठीक है। जब कुर्ता खोल दिए हैं तो उसके बाद सतर छुपाने का से आप जो है कपड़ा इनके ऊपर उड़ा दीजिए। ये कपड़ा उड़ाते हैं हम कहाँ से, घुटने से नीचे हो और ये नाक के ऊपर हो, ये सतर का हिस्सा है, इसको खास ख्याल रखना चाहिए। इसको घुटने से नीचे सतर के ऊपर, नाक के ऊपर, ये पूरा सतर का हिस्सा कहला जाता है। जब उड़ा दिए हैं तो अब ये कपड़ा निकालना हमारा मसला है, ये नीचे फंसा हुआ है तो इसको कपड़े को आसान से निकाला कैसे। जब खींचते हैं तो मैयत इधर से भी आ जाती है, उधर पीछे तो उधर भी आ सकती है। तो वैसी सूरत में आप मैयत को एक करवट ले लीजिए, कैसे एक करवट ले लीजिए। जब यहाँ कपड़ा है तो ये कपड़े को नीचे के हिस्से में कर दीजिए, मैयत के अंदर के हिस्से में कर दीजिए, नीचे पेट के नीचे कर दीजिए। तो इनको लिटा दीजिए, फिर इधर से थोड़ा सा उठा दीजिए, कपड़े को खींच दीजिए, आसान से कपड़ा खींच दीजिए। अब कुर्ता भी खोल दिए, बनियान भी खोल दिए, अब रहा पैजामा पैंट लुंगी वगैरह। तो इसको खोलने का सही तरीका ये है कि यहाँ से पूरा मुकम्मल बटन वगैरह खोल दीजिए, पीठ में पीठ के नीचे कमर के नीचे हाथ दे दीजिए, थोड़ा सा उठा दीजिए और एक आदमी यहाँ से खींच दीजिए, तो आसान से पैजामा हो या पैंट हो लुंगी हो आसान से निकल जाएगी। अब यहाँ तक आप कपड़े मुकम्मल खोल, अब गुसल देना शुरू हो रहा है। सबसे पहले ये जो कपड़ा ऊपर डाल दिए हैं इसको थोड़ा सा भिगा लीजिए, ऊपर से पानी छिड़क दीजिए। ये छिड़कने का इसकी वजह ये है कि जब हम गंदगी निकालते हैं तो वो गंदगी वैसे मक्खियाँ वगैरह भी पूरा मुकम्मल आके बैठ जाती है। जब कपड़ा कच्चा कर दिया जाए तो मक्खी वगैरह आके नहीं बढ़ती, तो इसलिए इसके बाद पूरा मुकम्मल पहले पानी से कच्चा कर लिया जाए। उसके बाद तीन या पाँच धैर्य लीजिए, तो उससे आप जो है इस्तिंजा करवाइए। ऐसे कपड़ा पूरा मुकम्मल उठा के तो नहीं कर सकते क्योंकि सतर खुल जाता है, लिहाजा आप जब दस्ताने पहने हुए हैं तो उसी दस्ताने से ढेला पकड़ करके आप पूरा मुकम्मल इस्तिंजा करवाइए, तीन या पाँच दिन से, तीन दिन बेहतर काफ़ी हो जाता है। अब उसके बाद इसके अंदर दो हदीसें हैं कि आप जो है इस्तिंजा कब कराना चाहिए, गंदगी कब साफ करना चाहिए, शुरू में भी करा दें तब भी साबित है, या आखिर में भी अगर साफ करा दें पेट दबा करके तब भी साबित है। लेकिन हम जो है शुरू का ही बता देंगे, इसमें हर एक के दिमाग हम आसान से गुजरने वाली बात है। तो अब ये है इस्तिंजा करवाते हैं, अब पेट का हिस्सा है अंदर जो गिलासत है उसको निकालना है। तो आप एक आदमी इधर से आ जाइए, नहीं आप इधर नहीं, इधर है आप इधर है, एक आदमी उधर है, तो गर्दन के नीचे हाथ आपका एक दर दीजिए, आप इधर से एक हाथ दीजिए और ये हाथ कितना यहाँ रखो, इसको ये हाथ यहाँ पकड़िए, इसको नीचे से ऐसे उठाना है, आप ये हाथ एक हाथ दीजिए, अब यहाँ से उठा दीजिए, इतना उठाइए कि आसान से जितना उठ सकता, ज़्यादातर जो है जोर देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जब गंदगी निकलना है तो उठाने से गंदगी नहीं निकलती, तो यहाँ से सीने से दबाना शुरू कर दीजिए, सीधा डायरेक्ट अगर आप पेट के ऊपर दबा दें तो हो सकता है गिलाजत भी मुँह के जरिए भी निकल जाए। तो लिहाजा आप पीठ पेट के ऊपर सीधा डायरेक्ट नहीं बल्कि सीने से दबाते हुए आप नाक तक पूरा मुकम्मल दबा दीजिए, ठीक है। फिर एक मरतबा इनको लिटा दीजिए तो आप थोड़ा सा पेट को और ढीला कर दीजिए, इनके पेट को थोड़ा सा ढीला कर लीजिए, फिर एक मरतबा उठाइए आप, उठा करके इसी अंदर से फिर सीने से लेकर के नाक तक पूरा एक मरतबा और दबा दीजिए, तो इंशाल्लाह इसका पूरा मुकम्मल गिलाजत निकल जाए। जब गिलाजत निकल गई तो आप मैयत को एक करवट ले लीजिए, मैयत को करवट ले लीजिए, करवट लेने के बाद पूरा मुकम्मल पानी बहा दीजिए। जब आप दस्ताने पहने हुए होते हैं तो उस अंदाज से शर्मगाह की जगह कपड़ा पूरा मुकम्मल नहीं उठना चाहिए, कपड़ा इसे अंदाज रख के अंदर हाथ करके आप पूरी मुकम्मल गिलाजत की जगह पर
गलादर साफ करना। जब तक साफ करना तब तक आप मुतमैन नहीं है और कहीं गलादर बची हुई है और कुछ बचा हुआ है इधर उधर लगा हुआ है, तो पूरा मुकम्मल साफ करने तक आप मुतमैन होने तक साफ कर देना। जब गलादर साफ हो गई है तो बात मरता होता यह है कि मैयत अगर मोटी हो हेवी हो तो इस अंदाज से साफ करने से साफ नहीं होता। तो एक आदमी इधर का पैर थोड़ा सा उठाकर पकड़ा, इधर का पैर थोड़ा सा उठाकर पकड़े और फिर यहाँ से पूरा मुकम्मल साफ करें और उसको पानी अच्छी तरह से बहा दें। ये यहाँ तक नजासत पूरी मुकम्मल साफ हो चुकी है, पेट की गलाजत भी निकल गई। अब यहाँ वजू शुरू हो जाता है, तो आप सबसे पहले वजू करवाइए। वजू कैसा करवाते हैं? दो हाथ ऐसे मैयत के मिलते नहीं एक जगह अकड़ने की वजह से, तो लिहाजा आप जो है ये हाथ यहीं रखिए और घंटे तक पहले सीधा हाथ धुला दीजिए और उसके बाद वो दूसरा हाथ घंटे तक धुला दीजिए। उसके बाद रोई ले लीजिए या कच्चा कपड़ा ले लीजिए जिससे कहते हैं कुल्ली करना और नाक में पानी डालना। तो कुल्ली करते वक्त मैयत के मुंह में तो पानी नहीं डाल सकते, लिहाजा रोई ले लीजिए, रोई भिगा करके पूरे मुकम्मल दांतों में मल लीजिए, मसाह कर लीजिए। अगर मुँह आसान से खुल सकता है तो दांतों पर मसाह कीजिए, अगर नहीं खुल सकता बाद मैयतों के एकदम बिल्कुल है ये जो होंठ होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, खोलने पर जो है वो फट भी सकते हैं और धो भी सकते, होता भी है सर, तो आप ज़्यादा उसको खोलने की कोशिश मत कीजिए। अगर होंठ नहीं खुल रहे हैं तो आप होंठों के ऊपर से ही मसा कर दीजिए, अगर होंठ आसान से खुल रहे हैं तो दांतों पे मसा कीजिए, दांतों पे मसा कीजिए तीन मरतबा। एक मरतबा रुई लिए, पानी में डुबो दिए, मसा कर दीजिए, उसको फेंक दीजिए, फिर थोड़ी रुई लीजिए, फिर एक मरतबा मसा कीजिए, उसको फेंक दीजिए, फिर थोड़ी रुई लीजिए, ये तीन मरतबा आपका हो गया, ये कुल्ली करना हो गया। अब नाक में पानी डालने की बारी है, जब नाक में पानी डालना है फिर वही रुई को थोड़ा सा ले लीजिए, उसको भिगो करके फिर नाक के अंदर पूरा मुकम्मल मसा कीजिए इधर और इधर, ऐसे तीन मरतबा नाक में भी मसा करना है। ये कुल्ली करना भी हो गया और नाक में पानी डालना भी हो गया। अब ये चेहरा धोना, चेहरा धोते वक्त ये खास ख्याल रखना कि अगर बाज मरतबा मैं हार्ट अटैक से इतना खत्म और एक्सीडेंट केस होता है तो वैसे टाइम पे जो है ज़्यादातर खून होगा निकलता रहता है, तो वैसे टाइम पे आप जो है उनके चेहरे पर जैसे ऐसे हाथ लगाइए, हाथ रखें पूरा मुकम्मल पानी बहा दीजिए ताकि पानी और ज़्यादा जाकर जो है अंदर जमा ना हो जाए। और जितना हिस्सा आप हाथ रखने की वजह से खुश्क है तो थोड़ा सा पानी आप अपने हाथ में ले लेंगे पूरा मुकम्मल मसा कर दीजिए, आप चेहरा पूरा मुकम्मल धुला दीजिए, ये चेहरा धोना हो गया। अब उसके बाद फिर ये हाथ लीजिए, ये हाथ इस अंदाज से रख करके यहाँ से पानी डाल दीजिए कोहनी तक, तीन मरतबा पानी डाल दीजिए, ये कोहनी तक हाथ धोना होगा, फिर वो हाथ भी कोहनी तक पूरा मुकम्मल धुला दीजिए। अब रहा मसला सर का मसा करना, आप अपने हाथ से पानी ले लीजिए भिगो करके अपने हाथ, अपने हाथ से सर का मसा इस अंदाज पूरा मुकम्मल सर के अच्छा। उसके बाद ये उंगलियों से कान का मसा कीजिए और ये अंगूठे से कान के पीछे का हिस्सा मसा कीजिए और ये हिस्सा से फिर गर्दन का मसा कीजिए। अब उसके बाद पैर धुलाना, पहले सीधा पैर धुला दीजिए टखनों तक, टखनों तक धुलाते वक्त एक बात होता ये होता है कि ठंड ऊपर से दादे के पूरा मुकम्मल धो देते, तो नीचे जो है एड़ी का हिस्सा खुश्क हो जाता है, तो थोड़ा सा पैर को उठा करके पानी डाल दीजिए, ये भी पूरा मुकम्मल ठीक गया। अब दूसरा पैर भी धुला, अब यहाँ तक आपका मुकम्मल वजू हो गया। अब वजू होने के बाद तीन मरतबा सीधी जानब से हो या उस तरफ से हो, तीन मरतबा पूरा मुकम्मल पानी बहा दीजिए, इस तरफ से तीन मरतबा और उस तरफ से तीन मरतबा पानी बहा दीजिए। इतना बहा दीजिए कि कोई जगह सूखा ना रहे, कोई जगह भी सूखी ना रहे। जब ये मसला हो गया थोड़ा सा करवट एक तरफ करवट दीजिए, पीछे हिस्से में पानी बहा दीजिए, फिर उस तरफ से लीजिए, उस तरफ पानी बहा दीजिए, यहाँ तक गुस्ल पूरा मुकम्मल हो गया। अब ये है कि साबुन लगा, साबुन जैसे पहले ज़माने में यह था कि जो है बेर की पत्ती डालने पर जो है मैल कट जाता है, लेकिन आज रिवाज ये बन गया कि बेर की पत्ती भी डालो और साबुन भी लगाओ। चलिए हम रूल भी करते हैं, जब साबुन लगाना है तो आप ये खास तौर पर एहतियात ये करना कि शर्मगाह को फिर दोबारा हाथ नहीं लगना, शर्मगाह को दोबारा हाथ नहीं लगाना है। तो आप उस अंदाज से साबुन लगाइए चेहरे को और सर के बालों को और यहाँ से लेकर के नाफ तक ये पूरा हिस्सा साबुन लगा दीजिए, ये हाथ को लगा दीजिए
फिर ये घुटने के थोड़ा सा ऊपर से लेकर के पूरा पैर तक, फिर ये घुटने के ऊपर से पूरा पैर तक, और इस तरफ पूरा यहाँ खास तौर पर बगल पूरा मुकम्मल साबुन लगा दीजिए। साबुन लगा के थोड़ा सा लकड़ी इस अंदाज से लगने के हम जैसा लगड़ लेते हैं उस अंदाज से जोर से मतलब, क्योंकि बाद में ये थे जो है इंतकाल होने के बाद दो दो तीन दिन भी रखते हैं तो उसमें जो है चमड़ी आसान से निकल जाती है, बाद में ये कमजोर होती है इस वजह से चमड़ी हाथ को आ जाती है, जोर से ना लगड़ा जाए। आहिस्ता ये साथ पूरा मुकम्मल साबुन लगड़ दीजिए और पानी बहा दीजिए उस अंदाज से पूरा मुकम्मल। अगर जरूरत पड़े तो दो मरतबा लगाइए साबुन, जरूरत अगर आप महसूस करें तो तीन मरतबा लगाइए, इसमें कोई मजाक नहीं। एक मरतबा भी लगाने पर पूरा मुकम्मल भैया साफ हो चुकी है बस काफ़ी है, दो मरतबा लगाना कोई जरूरी नहीं। अगर दो मरतबा भी लगाने जरूरत पड़ रहा है आपको महसूस कर रहे हैं कि आप दो मरतबा लगाइए इसमें भी कोई मजाक नहीं, तो इस अंदर से पूरा मुकम्मल ऊपर का हिस्से में साबुन लगा दिया और पानी बहा दीजिए। जब पानी यहाँ तक तो आप आसान से बहा दे रहे हैं लेकिन अंदर के हिस्से में पानी नहीं भर, तो आप थोड़ा सा कपड़ा यहाँ से उठाइए इस अंदर से लेकर पूरा मुकम्मल उठाया आप सदर पूरा दिख रहा नहीं, थोड़ा सा उठा करके जग से पानी मार दीजिए, जग से पानी मार दीजिए, फिर इस तरफ से उठा करके इधर से पानी मार दीजिए, फिर इस तरफ से उठा करके इस तरफ से पानी मार दीजिए ताकि पूरा मुकम्मल साबुन निकल जाए। अब ये ऊपर का हिस्सा पूरा मुकम्मल साबुन लगा दीजिए। अब इसमें एक करवट लीजिए, अब ये हिसाब से एक करवट ले लीजिए। अब करवट लेते हम ये हिस्सा सदर का है ये भी नहीं दिखना चाहिए, तो वैसे वक्त में आप ये काम करिए कपड़ा एक तरफ कर लीजिए, इधर भी सतह ना झुके यहाँ तक, जब करवट ले तो पूरा मुकम्मल कपड़ा यहाँ तक नीचे तक आ जाता है और सतह भी पूरा मुकम्मल बांधते हैं। अगर मैयत हेवी है बाड़ी हेवी है तो दो तरफ करवट लेना, अगर बाड़ी हेवी नहीं है तो एक तरफ ही पूरा मुकम्मल करवट लेने पर ये बाजू भी दो बाजू में आप साबुन आसान से लगा सकते हैं। बात समझ में आ रही, अगर हेवी बाड़ी है तो आप दो तरफ भी आप करना जरूरी है, अगर बाड़ी एकदम बिल्कुल धुंधली पतली है आसानी के साथ पूरी मुकम्मल करवट हो सकती है तो ऐसे करवट पूरा मुकम्मल लेकर के पूरा पीठ के हिस्से में साबुन लगा दीजिए, साबुन लगा दीजिए आप पूरा मुकम्मल पानी बहा दीजिए। फिर एक मरतबा इस तरफ से साबुन पूरा अपने हाथ से लगाइए या फिर डायरेक्ट लगा दीजिए, लगा दे करके कपड़े के अंदर के हिस्से से पूरा मुकम्मल साफ कर देंगे पानी बहा दीजिए, दो तरफ भी आपको पलटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया आपको उसूल दे दिए, पानी नहलाना हो गया। अब आखिर में एक आधी बाल्टी पानी हो जिसमें चार पांच जग पानी हो उसके अंदर थोड़ा सा काफूर डाल दीजिए उस पानी को, काफूर डालने के बाद वो पानी चेहरे से लेकर के पैर तक पूरा मुकम्मल बहा दीजिए, अब फिर करवट एक तरफ लीजिए पूरा मुकम्मल नीचे से पानी बहा दीजिए, ये काफूर का पानी आखिर में डाल, ठीक है। और इसमें हर एक मसली है तो आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ, जब पूरा मुकम्मल पानी बहाने के बाद जब करवट लेके जब पानी बहाते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि अगर मुंह में अगर पानी बाकी है या खून वगैरह बाकी है तो मैयत के खून मुँह से नाक से खून वगैरह निकलता है, तो वैसे वक्त में आप ये काम कीजिए कि सीधी करवट हो या कोसी में करवट पूरी मुकम्मल करवट ले लीजिए, लेने के बाद या पकड़िए आप इस अंदर से चेहरा इस अंदर से पकड़ करके नीचे के हिस्से में, क्या मुँह हमारा नीचे के हिस्से में हो जाए, थोड़ा सा झटक दीजिए, थोड़ा सा हिला दीजिए, हरकत कीजिए चेहरे को, सर को पकड़ करके थोड़ा सा हिला दीजिए तो वो मुँह से भी हो मुँह के जरिए या नाक के जरिए पूरा मुकम्मल निकल जाए, और एक मरतबा पूरा मुकम्मल निकल जाए तो फिर दूसरी मरतबा जमा लें। ये मैं खास तौर पर ये है कि अगर एक मरतबा पूरा नाक के जरिए निकलता मुँह के जरिए निकलता कान के जरिए निकलता अगर निकल गया एक मरतबा तो फिर दोबारा जमाने हो, जब पूरा मुकम्मल निकल गया तो आप पूरा मुकम्मल के हिस्से से पूरा मुकम्मल पानी बहा दीजिए, कहीं गंदगी फिर इधर की फिर इधर ना आ जाए तो पूरा मुकम्मल बहा दीजिए। अब यहाँ तक पूरा मुकम्मल गुस्ल हो गया, गुस्ल देने के बाद है पहले कभी भी कर दीजिए या शुरू में कर दीजिए या आखिर में कर दीजिए, अगर बाद मरतबा जो है गुस्ल देते हो शुरू में याद नहीं आता आखिर में याद आता तो आखिर में कर दीजिए, कोई मजा ऐसा नहीं होता। शर्म का कुल जगह लगाते वक्त इस अंदर से जो अंदर के हिस्से में है शर्म का आपको हाथ नहीं लगाए मगर आजू बाजू को लगाइए, शर्म का को आपको लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि शुरू में ही आप ढेरों से साफ कर दीजिए। पहला इस्तेमाल ना करें तब भी कोई मुजायका नहीं है, आप पानी है
शर्म आपको हाथ नहीं लगाना चाहिए, एहतियात नहीं बिल्कुल करना है। बस 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 शुरू में जो कर दिए हैं पानी जो ढेरों के जरिए, अगर ढेरे नहीं है तो पानी डाल के एक मर्तबा आप हाथ लगा के पूरा मुकम्मल धो दीजिए, खत्म इस्तिंजा होगा आपका, और दूसरी मर्तबा शरंगों को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। तहारा तो हमारा जो करा दिया पहली मर्तबा खत्म हो गया, दूसरी मर्तबा शरंगों को हाथ नहीं लगाना है। और इसमें कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए गुस्ल के। तो अभी नहीं हुआ, अभी पीछे भाई कोई एक सवाल कर रहे हैं तो पूरे सुन लीजिए, सब क्या आते हैं में जो लाशें रहती हैं जी, तो सब धन्यवाद जी, वो निकलता रहता बादल पता नहीं से, और कोई उसको ठहराने के लिए बजे आगे आते नहीं जी जी, कपड़ा उड़ा कर कपड़े के ऊपर से पानी बहा सकते हैं फिर अंदर हाथ डाल के इस तरह से जैसा कि कपड़े कुछ का कुछ जलेबी लाश या डूब के पानी के अंदर डूब के हुए लाश, ये मसाइल तो आ ही जाते हैं आपको, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ ज़्यादातर अगर जलेबी लाश है तो कोयला बन गया तो उसको गुस्ल भी देने की जरूरत है, उसको गुस्ल भी देने की जरूरत है, कपड़े में पूरे कपड़े पहनाने की जरूरत है, किसी एक कपड़े के अंदर लपेट दीजिए और ले जाके दफन। तो पानी बहाना का पानी तो बहा, ये कपड़ा से नहलाना ये कपड़े से पोंछना कोई जरूरी नहीं है, घर के द्वार वगैरह भी पेशेंट हमारे इस्तेमाल कर सकते हैं, और लोग मायूस समझते हैं कि वो कपड़ा फिर हम इस्तेमाल ना करें, ये बिल्कुल गलत है। ये कपड़ा जो है एक तरफ से ये जो कपड़ा है ना, अच्छा और एक चीज आप खुद का पानी अगर डाल दिए हैं तो आप जो है सिर्फ चेहरा और सर पोंछना है, आप खुद का पानी अगर डाल दिए हैं हाँ ये अंदर से उड़ा देगा, ये कपड़े के पीछे से खींच देंगे क्योंकि ये कपड़ा कच्चा है, ये कपड़ा पूरा मुकम्मल सूखा है सिर्फ एक तरफ से कच्चा है, जब इसको उड़ा दिए हैं तो मैं तो पूरा मुकम्मल एक तरफ से इसको अंदर कर दूँ, इस तरफ से अंदर कर दूँ, पता अगर नहीं भी करें तो कोई मसला नहीं है, हाथ तो बहुत हो ही जाते हैं इसे तो अकड़ के इससे ज़्यादा उसके अकड़ जाते हैं। काफूर का पानी डालने से उलमाए किराम ये फरमाते हैं कि जिस्म के किसी हिस्से को जो है कीड़े मकोड़े ज़्यादा नहीं छीनते और उसको जो है गंदा नहीं पहुँचा, गंदगी नहीं पहुँचा, पूछने का पानी डालने का ये एक हाथ उधर से एक हाथ इधर से कमर के नीचे दिए, अब ये हाथ यहाँ डाल दीजिए आप इधर से इधर नीचे इधर हाथ डाल दीजिए गर्दन के नीचे बस इधर से एक हाथ छोड़ देते हैं, मतलब ये मैयत आसान से उठ जाती है, ठीक है मैयत आसान से उठ जाती है, अब वहाँ से लेके आ दिए अब यहाँ पर कफन आ दिए, अब यहाँ कफन बिछा हुआ है यहाँ पर जरा इनको उठा लीजिए भाई, ये इबरत का मकाम है, हंसना भी नहीं चाहिए, ये हंसना भी मुझे बुरा से कम नहीं है हमारा भाई, जरा उधर हटा लो जी अभी तो नहीं लाया लोग ठहरो तो ये दो कपड़े एक कमीज है इसको आप यहाँ से बिछा दीजिए, और सामने के हिस्से में कम से कम एक बार से कमीज से ये जैसे दफत है दफत है दफत है या पलंग है या कुछ भी है एक बारिश का फासला है इस अंदर से आप बिछा दीजिए, अब ये ऊपर का हिस्सा निकाल लीजिए थोड़ा सा लपट दीजिए ठीक है, अब जब मैयत को ला रहे हैं लाइव तो यहाँ से सर यहाँ ये जो ठीक है वहाँ से इसको कुर्ता पहना दीजिए, कुर्ता ये पहना ठीक है कुर्ता यहाँ तक पहना दीजिए, जब ये कुर्ता पहना दिए हैं तो फौरी ये कपड़े को उठा लीजिए निकाल लीजिए, नहीं 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 बिना कच्चा हो जाता है वहाँ प्यार कच्चा हो जाता है।
और वहाँ पहनाना उतारा पड़ दिए, कुर्ता पहना दिए, कुर्ता पहनाने के बाद अतर है, अतर हाथ में डाल लीजिए आपके, पूरा मुकम्मल लगड़ के उनके दाढ़ी और सर के बाल, दाढ़ी को आप सर के बालों को पूरा मुकम्मल लगा दीजिए, दाढ़ी को लगा दीजिए और सर के, ठीक है जी, कपड़े पर दाढ़ी और सर को लगाना। अब इसके बाद काफूर है, काफूर मान लीजिए सजदे में जो आजा है टिकते हैं वो आजा लपड़ दिए, आइए लपड़ते आपको थोड़ा सा खास ध्यान रखिए कि इसको कपड़े को थोड़ा सा टाइट पकड़ करके दो पैरों के नीचे ले लीजिए ताकि पैर फैले भी अगर है तो करीब आ जाते, ठीक है ये हिसाब से। अगर मुंह में से कोई चीज निकलती है तो रुई लगा दीजिए, अगर कुछ भी नहीं निकलता है तो रुई लगाने की जरूरत नहीं है। ईजार भी कहिए इसको या ताइवान कहिए, दो भी नाम है इसके, ईजार या ताइवान, इसको लपड़। अब इसको लपड़ने का तरीका जो है यहाँ तक तो खाली इसको ऐसे पकड़ लीजिए, बाद चेहरा बताना है भाई, तो यहाँ तक है। ये जो है ये हिस्सा पैर के नीचे से ले लीजिए, ये हिस्सा पैर के नीचे से ले लीजिए, ठीक है ये सही हो गया। इधर से फिर एक ले लीजिए।